शेड्यूल बहुत अच्छा था सीएलसी का, मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि मुझे आगे क्या करना है। हुनर बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था, बहुत अच्छा ताइक्वांडो का प्लेयर था, अपने से डबल डबल कैटेगरी के प्लेयरों को जीतता था और बहुत डेडिकेटेड। मैं आपको बता दूं, इस प्लेयर होने के नाते इसको यदि 1000 किक बताई गई तो कई बार ऐसा होता था कि ग्राउंड में से बच्चे चले जाते थे, मैं वापस आता था तो 1025 करके घर जाया करता था। ऐसा जानदार प्लेयर था हुनर। और जब इसने मुझे पहली बार कहा कि गुरुजी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है, तो उसी दिन मुझे लगा कि सीएलसी मेरा एक बच्चा छीन लेगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, हुनर के सपने को पूरा करने में आपने जो मदद की है उसके लिए पूरा गांव, पूरा परिवार, हम सब आपके ऋणी हैं और चाहेंगे कि ऐसे ही हुनर आप और तैयार करते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बना है तो ये 12th के जरिए आपके संस्कार, एक बार पूरे परिवार के संस्कार ताले बजाएं। आगे बात करते हैं। पहले जय सीएलसी। मैं 10वीं में के बाद, मैंने जैसा सर ने बताया ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसके बाद मुझे 11th में आना था, मैंने बायो ली। बायो लेने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि मेरे सबसे बड़े पापा डॉक्टर मूल सिंह शेखावत, उनको जानते थे, उनकी मेडिकल कम्युनिटी के बारे में जानते थे, कितनी रिस्पेक्ट होती है, वो लेनी थी। उसके बाद मुझे मेरे बड़े भी हैं डॉक्टर जयसल सिंह शेखावत, उनने गाइड किया कि फाउंडेशन प्रोग्राम होते हैं 11th 12th में, उसके लिए उनने कोटा का सजेशन दिया। तो हमने फूफसा को बताया कि ऐसा फाउंडेशन का कुछ है, फूफसा ने बोला सीकर आओ। सीकर आके उनने सीएलसी से इंट्रोड्यूस कराया, तो सीएलसी से आके फिर 22 साल, उस वक्त 22 साल हो चुके थे, मुझे लगा था 22 साल है, एक्सपीरियंस होगा। पहले मुझे बिजनेस लगता था, कोचिंग वाला प्रोग्राम सब बिजनेस लगता था, तो जब इसमें इन्वॉल्व हुआ, आप सीएलसी में इन्वॉल्व हुआ, तो एक पारिवारिक फीलिंग आई, इसके पीछे एक मोटिव दिखा। इस पूरी जो भी पढ़ाई होती थी उसके पीछे एक मोटिव था, सिर्फ पैसा कुछ नहीं था, सिर्फ मोटिव था कि हर गांव से डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। उसके बाद 11th में आया था तो बोर्ड का रिजल्ट आया था, 87% आया था, मेरे लिए बहुत थे, मुझे अच्छा लगा था 87% आया। पर जिस दिन क्लास में सबसे पूछा कितने परसेंट आए, सबके 90, आधी क्लास 90 से ऊपर खड़ी होगी, उस दिन मुझे लगा था ये तो मुश्किल काम है, गलत जगह आ गए, वापस बात करनी पड़ेगी, अभी तो 11th है क्या पता छोड़ दें। फिर घर पे बात की तो फिर उन्होंने मना के ट्राई कर, कोशिश कर, मैंने कोशिश की, चलता रहा। 11th तक ठीक था, 12th में जैसे ही आया, 12th में आने के बाद बॉस ने एक दिन रैंक शीट थी बॉस के हाथ में, उनने नाम लिया, उन फिर बात की, उनको पता चला कि फूफसा लाए थे, आपने बोला खराब नज़र में आ गया। फिर जब भी बॉस आते तब मुझसे पूछते कि कितने नंबर है। उसके बाद मुझे थोड़ा प्रेशर फील आना शुरू हुआ कि चलो सही में सीरियस होना पड़ेगा। मैं 3 साल का कुछ प्लान बना के आया था, 12वीं में नहीं होता, मैंने बोल दिया था कि 1 साल और देना, मुझे 1 साल तो देना, 12वीं के साथ नहीं हुआ, 1 और साल देना। तो फिर वो था, फिर बॉस ने बहुत ध्यान रखा, फिर मैंने शेड्यूल बहुत अच्छा था सीएलसी का, मुझे कभी भी ये नहीं सोचना पड़ा कि मुझे आगे क्या करना है। हमें इतना बांध के रखते थे कि सुबह से लेकर शाम तक जब तक सोएंगे नहीं तब तक हमें कुछ करना ही था, हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ता आगे क्या करेंगे। हमारे कैंप होते थे, कैंप ज्वाइन करे, असेंबली होती थी, असेंबली में बहुत ही पॉजिटिव वाइब, मतलब जब भी हम पढ़ के आते थे तो हम बहुत टेंशन में रहते थे कि कल पेपर है, परसों पेपर। सीएलसी की असेंबली में आने के बाद हमें पता चला कि बहुत हमारी सारे डाउट पूछते, लास्ट में आके डायरेक्टर होने के, मुझे सर डायरेक्टर नहीं लगे थे पहले, सर जिस हिसाब से हमारे साथ रहते थे, हमें मुझे पता ही सर डायरेक्टर है, डायरेक्टर हमें बहुत बड़ी चीज़ समझते थे, बहुत बड़े हैं, और बस बॉस हमारे साथ घुल मिल के रहते थे, हमें लगा नहीं था, हम उसके पर्सनली जाके डाउट पूछते थे, इतना अवेलेबल रहते थे सर। और सीएलसी का जो अकेडमिक और मैनेजमेंट बहुत ट्रांसपेरेंट है, हमें जो भी कोई प्रॉब्लम आती बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती थी, हम कभी मैनेजमेंट और फीस के मामले कभी नहीं उलझे, हम आराम से हमारी स्टडी पे ध्यान दे सकते थे। फिर जब 12th में आए थे तब मेरे बोर्ड की बहुत चिंता रहती थी, मैंने बताया था 87% आए थे, तो मुझे लगता था कि इस वीडियो में तो भार हूँ, नीट का पहले बाद में देखेंगे, तो बोर्ड नहीं हुआ तो नीट क्या देंगे। फिर बॉस के मैंने मम्मी पापा को बताया कि बोर्ड वाली भी चिंता है, तो मम्मी पापा ने सीधा बॉस के पास फ़ोन किया मुझे, फिर बॉस ने मुझे बोर्ड के पेपर के बीच में उठा लिया, बोर्ड के पेपर चल रहे, फिर बोले होना मेरे से मिल के जाएगा, फिर बॉस ने मुझे बहुत डांटा उसमें,
उन्होंने बोला कि तेरे जैसे बच्चों के जैसे हमारे बोर्ड के रिजल्ट खराब नीट के रिजल्ट खराब होते हैं, क्या बोर्ड की चिंता करता है। फिर उस दिन सोचा नीट, फिर उस दिन मैंने बोर्ड की चिंता छोड़ दी, करनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि हमारे बोर्ड की क्लासें लगती थी और हमारे नीट हमारे बोर्ड के और नीट की प्रिपरेशन इतनी स्मूथली चली थी। अक्टूबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, हमारी नवंबर में दिवाली की छुट्टियों के जस्ट बाद हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी बोर्ड की। 2 महीनों में हिंदी इंग्लिश ख़त्म, जनवरी में हमारी बोर्ड हिंदी इंग्लिश के पेपर शुरू हो गए थे, वो बोर्ड्स ख़त्म हुए, लॉकडाउन लगा था। ये नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए बोलूँगा कि लॉकडाउन लगा था तो बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आगे क्या होगा। जब सोच रहा था आगे क्या होगा, 24 मार्च को सर ने लाइव शुरू कर दिया, उसके बाद फिर तो कब नीट आया कब क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। बॉस ने एक दिन भी हमें टेंशन में नहीं आने दिया। हर 26 जुलाई का बोर्ड नीट पोस्टपोन हुआ था, तब तक 26 जुलाई से पहले तक हमारे पूरे DTS चलते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 26 जुलाई के बाद नीट पोस्टपोन हुआ तो हमें लगा था वापस पेपर तो हो गए। बोर्ड ने सर ने अगले दिन ही वापस शुरू कर दिया, बॉस ने अगले दिन वापस टेस्ट सीरीज शुरू कर दी, नीट तक वो टेस्ट सीरीज चली। और ये कहना चाहूँगा कि नीट का पेपर 2021 एस्पिरेंट के लिए है, नीट का पेपर सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, पढ़ाई कितनी भी कर लो चाहे, जब तक हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे पेपर के लिए तब तक शायद कुछ भी हो सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि क्या हो सकता है। बोर्ड के नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आना कि OMR गलत भर जाना, ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। मेरी नीट की रोल नंबर की OMR गलत हो गई थी, तो फिर मैं उस वक्त मैं डर गया था, मैंने बोला था इन्विजिलेटर से कि चेंज कर दो, फिर उन्होंने मुझे डांटा बहुत कि कैसे बेवकूफ़ हो, नीट के पेपर में तुम OMR गलत कर रहे हो। उस दिन मैं सहमा गया था। तो अगर 10वीं का हुनर 11वीं का हुनर होता वो उस वक्त हार मान चुका होता, तो मैं बॉस ने मुझे इतना गाइड किया, मैं मोटिवेट हुआ। पेपर तो करेंगे चाहे चेक हो ना हो, पेपर करके जाएंगे। मैंने पेपर किया और मैं बताना चाहूँगा नीट हो गया अच्छा। तो मैं बताना चाहूँगा 2020 एस्पिरेंट्स को, अगर OMR में रोल नंबर गलत होता है तो रोल नंबर चेक करने के लिए आपके OMR के ऊपर एक बारकोड होता है, वो उससे भी आपके रोल नंबर पता हो सकते हैं। तो इसकी चिंता मत करना, अगर गलती से होनी नहीं चाहिए वैसे तो प्रेशर बिल्कुल ले लेना, आराम से OMR भरना, अगर हो भी जाए तो बिल्कुल चिंता मत करना, पेपर आराम से देना। थैंक यू।